हेलो फ्रेंड्स, आपका एटेटिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक या डोरमेट या टेबल मेट कैसे बनाया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसे इस फ्लावर पे बनाते हुए राउंड शेप में इसे कंप्लीट करना है और बनाना है। इसे आप ऊल, मैक्रम या पुरानी साड़ी से पट्टी निकाल कर या चुन्नी, इन चार चीज़ों से बना सकते हैं। इवन कि इसे आप धागा से भी बना सकते हैं और इसे आप यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे कैसे बनाया गया है उसे स्टेप बाय स्टेप बनाएं। इसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर का इस्तेमाल किया है, वाइट, रेड और ग्रीन। आप इस तरह से तीन कलर का अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन करते हुए आप इसको बना सकते हैं। यह टोटल 36 सिलाई पे कंप्लीट होता है एक पैटर्न। इसी पैटर्न के ऊपर मैं दूसरा पैटर्न बताने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ फंदे टोटल 25 फंदे मैंने लिए हैं। एक बार काउंट करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 फंदे। इसे स्टार्ट पे हमें इस तरह से फंदे डाल लेने हैं। और फंदे डालने के बाद अब बनाने का तरीका, बनाने के लिए इसकी पहली सिलाई पे ये एक फंदे हमें निकाल देना है। अब इसे हमें काउंट करना है। काउंट करने के लिए इस फंदे से हमें काउंट करेंगे, एक फंदे को निकाला, 1, 1, 2, 3, 4। जैसा कि एक फंदे को छोड़कर यहां से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये एक फंदे को छोड़कर हमें यहाँ से काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 सफेद से होने के बाद एक फंदे हमें ग्रीन से बनाने हैं। एक ग्रीन, दो फिर सफेद, 1, 2 सफेद से बनाया, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हरे से बनेंगे। 5 फंदे हरे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। दो फंदे सिलाई पे छोड़ने हैं, दो लेफ्ट रहेंगे। एक बार फिर देखेंगे, या 14 व्हाइट, 1 ग्रीन, 2 व्हाइट, 5। अब सिलाई पलटनी है और ग्रीन जो फंदे जिस कलर से बने हैं उसे कंप्लीट करने हैं। व्हाइट फंदे, व्हाइट के दो फंदे, नेक्स्ट ग्रीन से बनेंगे एक, और फिर व्हाइट से बाकी के इधर फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और यह एक 14 फंदा जो है, ये 14 फंदा को सीधे बनाने हैं। इस तरह से सीधे बनाया और फिर यहाँ ये फंदे आगे करेंगे और फिर लास्ट फंदे को सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह से यहाँ जाली का पैटर्न बना, जो ये इस तरह का
कली होगा। तीसरी सिलाई पे एक फंदे को निकाला और फिर जाली वाले फंदे को बनाएंगे और इस फंदे से काउंट करेंगे। जैसे कि यह जाली वाला फंदा है, बढ़े हुए फंदे हैं, अब पैटर्न का फंदे को काउंट इससे करेंगे, जाली वाले फंदे के बाद से, यानी यहाँ से। अब वाइट फंदे हमें बनाने हैं, यहाँ तक पहले बना लेती हूँ। ऐसे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक एक ग्रीन वाले फंदे हैं, इसे भी वाइट से बनाने हैं, 15। अब ये दो वाइट वाले फंदे को हरे से बनाएंगे, इस तरह से फंदे को आगे करते हुए दो, और इस पे से हमें तीन फंदे और बनाने हैं, 1, 2, 3, यानी टोटल यहाँ ग्रीन हो गए 5, 1, 2, 3, 4, 5, दो लेफ्ट। इस तरह से सिलाई फिर पलटनी है और फिर जो फंदे जिस कलर से बने हैं उसे कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ एक फंदे को सीधे बनाया, ये फंदा पीछे ही रहेगा, और ये बीच के एक फंदे को उल्टा बनाया, इससे दो फंदे बने, और फिर लास्ट फंदे हमेशा सीधे बनाएंगे। नेक्स्ट सिलाई, ये बढ़े हुए फंदे और ये दो फंदे और एक ये जाली वाले फंदे, 3, और इस फंदे को काउंट करेंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे, ये जाली वाले फंदे हैं इसे छोड़ देने हैं, यहाँ से काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4। यदि इसके साथ में लेंगे करेंगे तो इसे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे बनाने के बाद सफ़ेद से इस पर दो फंदे रेड से बनाएंगे, 1, 2, 2 रेड से बनाया, फिर अगेन 4 फंदे सफ़ेद से बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सफ़ेद से बनाए, 1 फंदे हमें ग्रीन से बनाना है। टोटल यहाँ 7 white, 2 red, 4 white, 1 green और फिर 7 फंदे वाइट से, 1, 2, 3, 4 और 3 फंदे इधर के, 5, 6, 7। इस तरह से दो फंदे लेफ्ट हुए, सिलाई पलटनी है, जो फंदे जिससे बने हैं उसे बना लेने हैं। इस तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे छोटी वाले फंदे जो है उसे छोटी बनाएंगे और फंदे पीछे रखेंगे और यहाँ जाली बनाएंगे, 1, 2 और नेक्स्ट लास्ट वाले को सीधे सीधे बना लेंगे। सिलाई पलटनी है और अब पैटर्न, यहाँ पे 3 और 1 जाली 4 फंदे आए, 1, 2, 3, 4 फंदे और इधर के 4 फंदे हैं। अब इसे काउंट करेंगे तो ये 4 और यहाँ 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक रेड जो, एक वाइट जो है
उसे रेड से बनाना है, यानी रेड से बनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 रेड से बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वाइट, 4 रेड, अगेन 4 वाइट, 1, 2, 3, 4 वाइट से बना। अब इस पे 5 हमें ग्रीन से बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो फंदे लेफ्ट सिलाई पलटेंगे एक बार। यहाँ मैं फिर से काउंट करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाइट, 4 रेड, 4 वाइट, 5 ग्रीन। सिलाई पलट कर फिर जो फंदे जिससे बने हैं उससे कंप्लीट कर लेना है। यह 8वीं रो है, फंदे पीछे रहेंगे और ये इस तरह से। लास्ट की सिलाई, लास्ट की जो फंदे हैं उसे सीधे बनाएंगे। यह 8वीं सिलाई कंप्लीट। नेक्स्ट 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है, सॉरी 10वीं सिलाई। 10वीं सिलाई पे यहाँ टोटल फंदे हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हमें 6, 7 7 फंदे वाइट से और फिर ये एक फंदे रेड से, फिर ये दो फंदे वाइट से, फिर अब 3 फंदे रेड से, 1, 2, 3 3 फंदे रेड से और फिर एक फंदे वाइट से और फिर 5 फंदे ग्रीन से, 1, 2, 3, 4, 5 दो फंदे लेफ्ट। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाइट, 1 रेड, 2 वाइट, 3 रेड, 1 वाइट और 5 ग्रीन। अब सिलाई पलट कर जो फंदे जिससे बने हैं उससे बना लेंगे। अभी लास्ट यहाँ पे, जैसे बहुतों को यहाँ यह जाली वाला पैटर्न में दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक सिलाई पे बताने जा रही हूँ। ये फंदे पीछे ही रहेंगे और फिर देख सकते हैं यहाँ पे, अब लास्ट के फंदे सीधे बनेंगे। 10वीं सिलाई कंप्लीट। अब 11वीं सिलाई यानी 11th सिलाई, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 6 फंदे, जाली वाले फंदे हैं 6 फंदे। अब इस पे यानी कि इसे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर के 3 फंदे, 7, 8, 9 3 फंदे सफ़ेद बनाने हैं और इसे काउंट करते हुए 9 फंदे सफ़ेद दो फंदे रेड एक सफ़ेद यानी वाइट फिर दो रेड से बनाने हैं
और फिर इधर फोर सफ़ेद यानी फोर वाइट बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और सिलाई पे दो लेफ्ट सिलाई और सिलाई को पलटकर जो फंदे जिससे बने हैं उसे बना लेने हैं। मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ पे सीधी सिलाई और फिर 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट सिलाई 6। सिलाई पलटनी है और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 7 फंदे हो गए, यानी 6 फंदे होने पर इसे हमें फंदे को बंद करने हैं इस तरह से, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 ये इससे लेंगे और 6 इस 6 फंदे को इस तरह से बंद कर देंगे और ये एक फंदे जो है ये एक्स्ट्रा है इसे रखने हैं। अब यहाँ पैटर्न इस तरह से प्रत्येक 7 फंदे होने पर 6 फंदे को हमें बंद करके इस तरह का कली का बनाना है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए हमें इधर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ ये प्रोसेस यहाँ तक करने हैं और इस पैटर्न को बना लेना है। अब यहाँ पे 3 और सफ़ेद बनाने हैं, 1, 2, 3 सफ़ेद दो लाल 1 सफ़ेद, 2 लाल यानी रेड और फिर 2 सफ़ेद बनाने हैं। दो लेफ्ट एक बार यहाँ देखेंगे, 1, 2, 3, 4 2, 1 वाइट 2 और फिर सिलाई को पलट देना है और जो फंदे जिससे बने हैं उसे बना लेने हैं। अब यहाँ पे यहाँ छोटी वाले फंदे हैं, इसे हमें 2 ही फंदे हैं इसीलिए एक सीधे बनाने हैं फिर आगे करते हुए जाली बनाना है। इस तरह से एक फ्लावर का और एक रो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सिलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सिलाई व्हाइट, 2 रेड और 1 सफ़ेद, 7 2, 1
लाइट कलर में है। सिलाई प्लाट कर जो फंदे जिससे बने हैं उसे बना लेना है। नेक्स्ट सिलाई, फिर ये सीधे फंदे और फंदे को पीछे रखते हुए एक फंदे को उल्टे बनाएंगे और फिर लास्ट फंदे सीधे। कंप्लीट हो गया 16वीं सिलाई कंप्लीट। अब 17वीं यानी 17 सिलाई पे 11 फंदे वाइड से बनेंगे। एक बार फिर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे बाकी फंदे यानी कितने तक बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट के लिए 16। इस तरह से इधर के 16 फंदे ग्रीन से बनाने हैं। सिलाई पलटनी है, जो फंदे जिससे बने हैं उससे बनाने हैं। एक फंदे को निकाला और इस तरह से हमें पूरे लाइन यहाँ तक कंप्लीट करने हैं और यहाँ जाली बनाने हैं। अब यहाँ के लास्ट फंदे के पास सीधे और फिर इधर 1, 2 फंदे नेक्स्ट सीधे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 9 फंदे व्हाइट से, 2 फंदे रेड से और 1 फंदे व्हाइट से। 9, 2, 1 तो सिलाई पलटना है। जो फंदे जिससे बने हैं उससे बना लेना है। लास्ट सिलाई सीधे 1, 2, 3, 4 1 फंदे को निकाला, 2, 3, 4 और ये एक 5, 4 ये फंदे गिर गए हैं, 5 और फिर 6, 7, 8 फंदे वाइट से और 2 फंदे रेड से, 1, 2 फिर 1 फंदे वाइट से, फिर 2 फंदे रेड से, 1, 2 फिर हरे वाले फंदे से 2 फंदे वाइट से।
1 2, एक बार फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे वाइट, 2 रेड 1 वाइट 2 रेड 2 वाइट, सिलाई पलटनी है। और जो फंदे जिससे बने हैं उसे बना लेने हैं। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लास्ट फंदा सीधे सीधे बना लेना, फिर सिलाई पलटनी है। नेक्स्ट सिलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे वाइट के, 2 फंदे रेड से, 1 फंदे वाइट से, फिर 2 फंदे रेड से, एक 2 सफ़ेद वाले फंदे सफ़ेद से बनाएंगे और इस सिलाई से 2 फंदे। सिलाई पलटने हैं। सिलाई कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिलाई, नेक्स्ट सिलाई पे 1 2 3 4 5 6 6 फंदे हो गए, यानी इसे अब बंद करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 और 1 6 बंद हो गए। अब यहाँ पर काउंट करने हैं 1 2 3 3 फंदे हमें वाइट के बनाने हैं, 1 रेड से बनेंगे, 2 वाइट से बनेंगे, 3 रेड से बनेंगे, 1 2 3 रेड से बने, 1 सब वाइट से बनेंगे, और फिर ये 3 जो वाइट वाले फंदे हैं उसे हमें ग्रीन से बनाना है। 1 2 3 2 फंदे ये ग्रीन वाले, यानी 5 फंदे ग्रीन के बने। एक बार फिर देखेंगे 3 वाइट 1 रेड 2 वाइट 3 रेड 1 वाइट और 5 ग्रीन। सिलाई पलटनी है। जो फंदे जिससे बने हैं कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे फिर कली के लिए फंदे बढ़ाने हैं। फर्स्ट में इसे आगे करते हुए जाली बनाने हैं। 26 सिलाई कंप्लीट, 27 सिलाई। टू थ्री 4 5 उसके बाद 4 फंदे रेड से बनेंगे, 1
टू थ्री फोर, फोर फंदे व्हाइट से बनेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर फंदे व्हाइट से बने। और फिर इधर तीन और दो यानी फाइव, फाइव फंदे ग्रीन से बनेंगे, वन टू थ्री और दो इसके, फोर फाइव। फिर सिलाई पलटनी है, इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये रो कंप्लीट हो गया। और फिर इस पर सेम प्रोसेस बनाने हैं और लास्ट के फंदे को सीधे सीधे बनाना है। ये इस तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट सिलाई, नेक्स्ट सिलाई, वन टू बड़े हुए फंदे यानी थ्री फोर फाइव सिक्स और एक फंदे ये सेवन, सेवन फंदे व्हाइट के, टू फंदे रेड से, फिर सेवन फंदे सॉरी फोर फंदे टू थ्री फोर फंदे व्हाइट से, वन फंदे ग्रीन से और सेवन फंदे व्हाइट से बनाने हैं। इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव और दो इधर से, सेवन फंदे। सिलाई पलटनी है, जो फंदे जिससे बने हैं उसे कंप्लीट कर लेना। सिलाई कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सिलाई, नेक्स्ट सिलाई, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन, यानी वाइट के तीन फंदे छोड़ने हैं, बाकी सारे फंदे को वाइट से बना देने हैं। अब यहाँ पे हमें ग्रीन से बनाने हैं, ग्रीन से वन टू थ्री और दो इसके फाइव। सिलाई पलटनी है और फिर जो फंदे जिससे बने हैं उसे पूरे कर लेना है। थर्टी टू सिलाई कंप्लीट। नेक्स्ट सिलाई यानी थर्टी थ्री, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी ये वाइट यहाँ तक हमें बनाने हैं एक फंदा को छोड़कर। एक फंदे को छोड़कर यहाँ तक हमें वाइट का कंप्लीट करना है। हुआ एक फंदा जो ये है इसे हरा से बनाएंगे, दो फंदा
व्हाइट से बनाएंगे और फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फंदे हरा सिलाई पलटने हैं और जो जिससे बने हैं उसे कंप्लीट कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट सिलाई नेक्स्ट सिलाई पे हमें सारे फंदे को व्हाइट से बनाना है। सारे फंदे अब ये पूरी सिलाई हमें व्हाइट से कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया है। इसी पैटर्न को बनाते हुए हमें राउंड शेप में इसे बना लेना है। वन टू टेन, टेन फ्लावर को बनाएंगे तो यह राउंड में हमारा रग या डोरमेट या टेबलमेट तैयार हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।